हाय एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू वीजा रूल्स इन 2024। सो काफी सारे वीजा रूल्स में चेंजेस आई है बहुत सारी कंट्रीज में। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका ड्रीम रहता है फॉरेन में जाके पढ़ने का। सो रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या हम बात करें करियर प्रॉस्पेक्ट्स की, या फिर मॉडर्न जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। This has eventually led to the constant evolution of visa requirements. Aspirants हैं उनको latest information होनी चाहिए about the कुछ major changes अगर आई हैं visa applications में process में, तो उनको definitely पता होना चाहिए और उनको उसके लिए official website पे जाकर इसकी information time to time ले लेनी चाहिए। रिसेंटली देखने को मिला है कि काफी पॉपुलर कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन और भी बहुत सारी कंट्रीज में वीजा प्रोसेसिंग को लेके काफी सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं। सो अगर आप भी किसी भी कंट्री का कोई भी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि उस कंट्री की जो वीजा रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसके बारे में, या कोई लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से पहले अपनी जानकारी ले लें। तो बात कर लेते हैं यूके की। गवर्नमेंट ऑफ यूके ने अनाउंस किया कि 6 फरवरी के 2024 के बाद IHS यानी कि इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार जो है वो बढ़कर ऑलमोस्ट डबल होने, और उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ उनका स्पाउस या उनका डिपेंडेंट 2024 में नहीं जा पाएंगे। कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज हैं, यानी कि अगर आप बात करें मास्टर्स की या डॉक्टरेट्स की, PhD की, उसी में सिर्फ आप अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकते हैं, अदरवाइज यूके ने स्पाउस वीजा देना बंद कर दिया। So let's move to the new visa policies in 2024 in Australia. Australia की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अपनी language proficiency को test जो है उसके score को increase कर दिया है। जहां पर 5.5 थी वहां पर 6 की requirement हो गई है, जहां पर 6 की requirement थी वहां पर 6.5 की requirement रहेगी। उसके अलावा GTE को हटाकर इन्होंने GST को introduce करा है। तो बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने भी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है, जो भी स्टूडेंट्स जो स्टडी वीजा के लिए जर्मनी में अप्लाई करेंगे वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेकर आ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो वर्किंग आवर्स है उसको भी एक्सपैंड करके 20 आवर्स कर दिया गया है, ताकि वो मैक्सिमम फ्लेक्सीबिलिटी उनको प्रोवाइड करा सके। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी रूल्स बहुत सारे चेंज हुए हैं, चाहे वो बात हो GIC के डबल होने की, चाहे वो बात हो PAL यानी कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की। कनाडा के भी काफी सारे वीजा रूल्स को चेंज किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, या फिर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।